मंदिर की दीवारों ने उगला 15 लाख करोड़ का खजाना, सोना देखकर फटी रह गई आंखें। भोपाल, मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के रोदान में 800 साल पुराने जैन मंदिर में खुदाई के दौरान मुगल कालीन खजाना मिला है। बताया जा रहा है मंदिर की 14 इंच मोटी दीवार को तोड़ने पर मिट्टी के कई घड़े में बंद हीरे मिले हैं। कुछ घड़ों में सोने भी हैं। जो 15 मजदूर यहाँ खुदाई कर रहे थे उन्होंने इसे आपस में बांट लिया, लेकिन आपसी लड़ाई से मामला पुलिस तक पहुँच गया। पुलिस ने जब खजाने की कीमत का पता लगाया तो वह भी हिल गए। पूरा खजाना 15 लाख करोड़ का है। यह खजाना कब का है और मंदिर में कहां से आया, यह अब तक रहस्य बना हुआ है। एडिशनल एसपी कमल मौर्य को जब घटना की जानकारी मिली तो वह घटना स्थल पर मुआयना करने गए, जहां जांच के दौरान सोने और चांदी के सिक्के पर अंकित उर्दू की इबारत और चित्र मिले। स्थानीय जानकार ने बताया कि इस पर शाहजहां अहमद लिखा है, और जब वह इंटरनेट के जरिए इसकी प्रमाणिकता जाँच की गयी तो पता चला की शाहजहां अहमद का शासन 14वीं शताब्दी के आसपास था। इतिहासकारों का कहना है कि शेर सूरी ने कभी दक्षिण भारत की यात्रा के लिए योदान का रास्ता निकाला था। किताब आईना अकबरी में भी जिले का लोकेशन, जिले के कोलारस, नरवर और रोंदा का जिक्र है। इससे पता चलता है कि ये क्षेत्र उस समय कितना संपन्न थे। ये थी एसएम न्यूज रिपोर्ट।